स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 28 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने इसे भारत का प्रथम गांव बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, मांडा उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसा सीमांत गाँव मांडा भारत का पहला गाँव बना है। यहाँ प्रथम गाँव इंडिया फर्स्ट विलेज होने का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मांडा आखिरी गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसे अब एक नई पहचान मिल गई है। अब बात है मांडा यानी उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, केरल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा यानी फर्स्ट वाटर मेट्रो इन इंडिया को हरी झंडी दिखाई गई है। केरल सरकार व जर्मन कंपनी KFW द्वारा फंड किया गया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। यह वाटर मेट्रो कोच्चि के 10 द्वीपों को जोड़ेगा, साथ ही 78 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस मेट्रो में 78 इलेक्ट्रिक बोट्स जोड़ी गई हैं। इसके संचालन के लिए 38 टर्मिनल बनाए गए हैं। अब बात है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, जो यहाँ के गवर्नर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है ना। पहली बार वर्ष 1970 में पंजाब के CM बने थे। वर्ष 2017 में वह आखिरी बार इस पद पर थे। वह सिख केंद्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक भी रहे हैं। बादल 12 फरवरी 1997 से 26 फरवरी 2002 की अवधि के बीच प्रदेश के CM बने थे। अब बात है पंजाब की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM कौन है? भगवंत मान। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में IT उद्योग के शीर्ष व्यापार संस्था NASSCOM के 2023-24 के लिए अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, आनंद महेश्वरी। ये हैं आनंद महेश्वरी जी। IT उद्योग के शीर्ष व्यापक संस्था NASSCOM के आनंद महेश्वरी को वर्ष 2023-24 में के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा NASSCOM ने कॉन्गीजेट इंडिया के अध्यक्ष और MD राजेश नम्बियार को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माहेश्वरी जी यहाँ इस पद पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के प्रेसिडेंट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कृष्णन रामानुजन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, मलेरिया, ठीक है ना। 25 अप्रैल 2023 को दुनिया भर के विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाए मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। और इस वर्ष दिवस की थीम क्या रही है? तो थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोविलेट इम्प्लीमेंट
रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान, ठीक है ना, ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक स्तंभकार तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका जन्म 20 नवंबर 1949 को कराची में हुआ था। उनका परिवार मुंबई में रहने वाला था लेकिन बंटवारे के बाद कराची चला गया था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की लेकिन बाद में पत्रकारिता में आ गए। अब बात है पाकिस्तान की, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवीजी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ। और करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 38वां स्थान मिला है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों में, कितने 139 देशों की सूची में भारत को 38वां स्थान मिला है। इससे पहले देश में वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भी शुरू की गई थी जिसका मकसद तेजी से सामान पहुँचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय को घटाना और धन को बचाना। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नीतियों से भारत को बहुत लाभ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जल बजट वाटर बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, केरल, ठीक है ना। भारत के राज्य केरल में गर्मियों में पानी की कमी निपटने और राज्य में समान जल वितरण के लिए जल बजट की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। केरल एक ऐसा राज्य जहां प्रचुर मात्रा में नदियां, धाराएं, वैंक वाटर हैं, साथ ही यहां अच्छी वर्षा भी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद केरल में कई हिस्सों में अभी भी गर्मियों में पानी की भारी सामना करना पड़ता है। यही कारण है जिससे राज्य को जल बजट अपनाने के लिए प्रेरित किया गया और केरल राज्य ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कई प्रमुख लेखकों ने जन्म लिया है, उनकी मृत्यु हो गई है, जैसे विलियम शेक्सपियर, मैगुएल डे सर्वेंट और जोसेफ प्याला का 23 अप्रैल को निधन हुआ है। वहीं मैनुअल मेजेला वल्जेलो और मॉरिस ड्रोन को 23 अप्रैल का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 2023 को पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया है। इसे 193 देशों में मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेट जेरॉल्ड नेल्सन ने 1970 में की थी, 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, हमारे आप इंस्टाग्राम पेज व यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।